मुन्ना खान शहर का एक ऐसा नाम जो दरभंगा शहर में हर मजहब के लोग बड़े अदब और सम्मान के साथ लेते हैं। शहर में हिंदू मुस्लिम के आपसी सौहार्द की मिसाल कायम करने वाले मुन्ना खान अपने आप में एक बड़ी शख्सियत है। कुछ इसी क्रम में आज दीपावली के अवसर पर मुन्ना खान के द्वारा इनके वार्ड में हिंदू परिवारों को मिठाई दिए और सरसों तेल देकर उनको सम्मान दिया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, इन लोगों ने हमारा भेंट स्वीकार कर हमें बहुत बड़ा सम्मान और अपना आशीर्वाद दिया है, जो मेरे लिए सबसे अनमोल दौलत है। उन्होंने कहा, हम दीपावली छठ होली जैसे त्योहारों में इनके साथ खुशियों में शरीक होते हैं, वहीं जब ईद का समय होता है तब भी मुझे इनकी दुआएं मिलती है और इनका आशीर्वाद मिलता है। मेरी यही कामना है कि इनकी यह आशीर्वाद और दुआ हमें हमेशा मिलते रहे। मिठाई दिए, तेल दिए, करवा तेल दिए, मुन्ना भाई जी दिए। यहाँ हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है, सब अपना भाई है, मदद करते हैं। हाँ, यहाँ पर कोई नहीं है, न मुस्लिम है न हिंदू है, सब भाई भाई है। खान के द्वारा मिला है, हर साल देते हैं, वो हर साल आते हैं देने के लिए हम लोग को। मुन्ना खान जी यहाँ के वार्ड पार्षद हैं। हाँ जी, यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों पर्व होता है, किस तरह से आप लोग मनाते हैं? बहुत अच्छा। कितना सहयोग रहता है इनका? पूरा सहयोग रहता है, हम लोग जब बुलाते हैं तब आ जाते हैं। ये पार्षद के अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं पूरा, बहुत अच्छा से। बहुत वार्ड बोर्ड है कमीशन ऐसा, जाते हैं तो दरवाजा पर से नहीं है, मुन्ना खान जो है अपने कोई काम बंद कर देते हैं। अच्छा, दीपावली जैसे त्यौहार में कुछ मदद करते हैं, नहीं रहता है तो तेलों पहुँच मंगा के दे देते हैं। अब तक तेल के 4 सिटी हो गया है, नहीं तो सबको 5 लीटर 2 लीटर सब तेल देते थे, समझे। बहुत अच्छा आदमी है। अब एगो लगे हुए विवाह भवन, पीछे शौचालय बंद है, उसमें विवाह भवन में लगे हुए हैं हम, क्या विवाह बंद है, गरीब आदमी के लिए के लिए हम लोग का विवाह भवन बंद है। क्या 40,000-50,000 रुपया कहाँ से ला गया गरीब आदमी, जिसको भगवान 3 को बेटी 4 को बेटी दिया, वो कहाँ से पैसा लाया, समझे। यही है, आप लोग स्वागत है कि ठीक। आज दीपावली के शुभ अवसर पर समस्त देशवासी, नगरवासी एवं वार्ड 29 के समस्त जनता को हार्दिक शुभकामना। साथ ही साथ मैं अपने पार्षद डॉक्टर मुन्ना खान को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने लगभग 15 वर्षों से लगातार वार्ड की जनता का सेवा किया है और जनता का आशीर्वाद भी उनको प्राप्त हुआ है। लगातार उन्होंने हर दुख दर्द में जनता के साथ रहे हैं। जनता का चाहे वो पानी का समस्या हो, बिजली की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, नाले की समस्या हो, या विभिन्न प्रकार की छोटी मोटी जो घटनाएं घट जाती है सामाजिक रूप में, घर परिवार में, उसमें भी उन्होंने अपना सहयोग देके मेल मिलाप कराने का सहयोग किया। और जब से डॉक्टर मुन्ना खान पार्षद हुए हैं, तब से हम देख रहे हैं कि इस समाज में लगभग हिंदू मुस्लिम सारे लोग मिलजुल के रहे हैं, कभी भी किसी तरह की छीटपुट घटना भी नहीं घटी है। यह बड़ा ही सराहनीय काम है। हम लोग यही आशा करते हैं कि एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं, कैसा लगता है? निश्चित रूप से ऐसा देखा गया है, निश्चित कि जब दीपावली होती है, होली होती है, तो हर घर जाके डॉक्टर मुन्ना खान मिठाई बांटते हैं, उनसे खुशी जाहिर करते हैं। और कुछ हिंदू समाज के भी लोग जब मुस्लिम त्यौहार होते हैं तो उसमें डॉक्टर मुन्ना खान के साथ जाके वहाँ त्यौहार में सहयोग देते हैं, एक दूसरे का भाईचारा बनाते हैं। वो बहुत बड़ा ही सराहनीय कार्य हो रही है, जो डॉक्टर मुन्ना खान के द्वारा ही यह संभव हो सकता है। क्या नाम? राजेश कुमार चौधरी।
सबसे पहले तो हमारे पुरुषोत्तम राम जी जो 14 साल वनवास का जो वनवास से अयोध्या लौटे और उस समय जो लोगों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया, सम्मान दिया, ये वही दिन है जो लौट के आया है। और इस अवसर पर मैं अपने दरभंगा वासी को, अपने वार्ड वासी को, सभी को मैं दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आने वाले वक्त में भी इसी तरह हम लोग खुशहाल ज़िंदगी रामराज की कामना करते हैं तो खुशहाल ज़िंदगी रामराज वाली होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हर हमेशा की तरह इस साल भी मैंने जो हमसे बन पड़ता है मैं अपने वार्ड के लिए ठीक करता हूँ, अपनी जिंदा के बीच में जाता हूँ, उनको आशीर्वाद देता हूँ, उनको जो भी चीज़ होता है तोहफा के तौर पर मैं उनको देता हूँ। मैं उनको धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि वो लोग खुशी खुशी भाई मेरा सम्मान करते हैं, मेरे गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हैं और मुझे